अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड के नए प्रोग्राम के साथ मैं फ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश है कि जो हमारा असल हेरिटेज है, हमारा विरसा है, हम उसको दोबारा से उजागर करें, ज़िंदा करें और कहीं गुम ना होने दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स बनते हैं, अभी तो आप देख रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी फीडबैक भी मिल रही है, लेकिन ये एक लाइब्रेरी की सूरत भी इख्तियार कर लेगा। आजकल इंटरनेट की वजह से अगर ख़बरें भी बड़ी जल्दी आप भूल जाते हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स भी भूल जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेट हिस्ट्री है ना, वो अब हमेशा ज़िंदा रहती है। कभी भी आने वाली नस्लें भी जब पाकिस्तान के साथ विरसा का लफ्ज़ लगाएंगे या हेरिटेज लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम भी ज़रूर आएगा। और यही हमारी एक कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जितना भी पाकिस्तान की तहजीब है, उसे अपने आने वाली नस्लों में, अपनी मौजूदा नस्लों में जितना भी उसे उजागर कर सकते हैं, करें। और अब इसी सिलसिले को आगे इस तरह बढ़ाया है कि हमारी जो एक लोक दास्तान है पंजाब की, बहुत ही मशहूर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीर रांझा, उसे ड्रामाई शक्ल देकर अपनी तहजीब को अगेन जो है विरसा का हिस्सा बनाया, यानी कि वो भी इसी हमारे जो हेरिटेज रिवाइव्ड है उसी का तसलसल है। जी बिल्कुल बिल्कुल इफ़त, क्योंकि ये इट्स वेरी मच अ पार्ट ऑफ अ हेरिटेज। और जो इस तरह की दास्तानें होती हैं, लोक दास्तानें होती हैं, उससे जो हमारी असल सेंसिबिलिटी है उसका भी बहुत पता चलता है। जी बिल्कुल, और इसमें ये भी है कि हम, हमारी कोशिश है किसी तरह, अगर ये अल्लाह के फजल से एक अच्छा एक इसका रिजल्ट निकलता है, तो फिर हम, हमारी ये कोशिश होगी कि हम आगे आने वाले वक्त में, एक प्लान है कि अलामा इकबाल की लाइफ के ऊपर एक सीरियल बनाया जाए, फिर इसके अलावा हज़रत बाबा भुल्ले शाह की ज़िंदगी पर बनाया जाए, और इसी तरह अपना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी पे एक सीरियल बनाया जाए। तो ये एक, आई थिंक एक जो हेरिटेज या विरसे की जो सीरीज है, जो लाइब्रेरी है, वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भरने वाली है। हम ये पूरी जो हीर रांझा की टीम है वो भी आज यहाँ पे मौजूद है, जो जो उस पर काम हो रहा है वो सब पे आज बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही हमें अपना प्रोग्राम भी शुरू करना है। और आज का प्रोग्राम जो है वो हम अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सतून है हमारे हेरिटेज रिवाइव का, साहिर अली बग्गा, और जो प्रोग्राम का हम आगाज़ करें, इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा जो है उसको तरतीब दिया है, और उसमें उन्होंने हमारे जो चार सूबे हैं समा उनकी अमालगमेशन है, उन पूरे कल्चर की, उनके पूरी जो म्यूज़िक है, और हमने इसको क्या नाम दिया है? हमने इसको नाम दिया है कि हम हैं पाकिस्तानी, हमारा है पाकिस्तान। तो ये साहिर ने इसको डिज़ाइन किया। साहिर, ये किस सिलसिले में, क्या जेन में आया था व्हेन यू डिसाइडेड टू अरेंज दिस? इस दफ़ा बाबा का कुछ आइडिया था कि कुछ डिफरेंट करते हैं ज़रा, हर चीज़ में आइडिया बाबा का ही होता है। तो मेरे जहन में, मुझे वैसे भी अपने पाकिस्तान का कल्चर म्यूज़िक जो है वो दुनिया के सब कल्चर से बेहतर लगता है, क्योंकि इसमें एक रूहानियत है। हमारे जितने सूफ़ी सिंगर्स हैं और जितना भी हमारा म्यूज़िक है, वो सब हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो म्यूज़िक है इसमें बहुत पोटेंशियल है, और बहुत अपना जो म्यूज़िक है हमारा, बजाय कि हम किसी बाहर से रेफरेंस लेके म्यूज़िक करें, हम अपना क्यों ना करें, इसमें बहुत सारी स्पेस है। Thank you.
शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना। मुझे सिर्फ ये बताएं कि why Heera Ranjha Yusuf? Why did you start it with Heera Ranjha? I think Heera Ranjha एक ऐसी कहानी है कि जो जिसने मुझे हमेशा ही फैसिनेट किया है। और फिर कुछ इस तरह हुआ कि कुछ मैंने म्यूज़िक मैंने बनाई और वो म्यूज़िक जो थी मुझे वो लगी कि ये जिस तरह Heera Ranjha के लिए बनी है, यू नो, उस गाने उस किस्म के थे। कुछ चंद गाने मैंने कुछ तैयार किए, फिर एक वीडियो भी एक गाने का किया। तो मैं मजीद तो मैंने ये सोचा कि अगर एक 13 पार्ट का सीरियल Heera Ranjha पे बने, वारिस शाह की Heera Ranjha पे, और वो म्यूज़िकल हो, और कुछ हमने उसको कोई उसकी स्टोरी को चेंज तो नहीं किया, लेकिन एक जो एक डिफरेंस जो आपको नज़र आएगा, जो मैंने मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हीर और रांझे की जो स्टोरी थी वो आम आदमी की स्टोरी नहीं थी। जो सयाल थे वो नवाब थे, वो रूलर्स थे झांग के। जो खेड़े थे वो बहुत पावरफुल और बड़े ज़िम्मेदार थे। और जो इसी तरह जो जो रांझे की फैमिली थी वो रांझों की जो ट्राइब है उसके सरदार थे। तो ये कच्चे कोठों की कहानी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पंजाब में निकल के उस इलाके में जाके देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो लोग थे, जो बड़े बड़े यू नो लैंडलॉर्ड्स थे या पुराने ज़िम्मेदार थे, इनके भी जिस तरह हमारे शहरों में हवेलियाँ थीं वहाँ भी हवेलियाँ हैं, आज तक मौजूद हैं, और इतनी खूबसूरत और इतनी ही खूबसूरत हवेलियाँ हैं। आपने एक्चुअल जगहों पर जाके बिल्कुल हमारा सौ ये तो आपको शायद बताएंगे कि हमारा 100% जो शूट है वो आउटडोर है, कोई एक भी सेट नहीं है। अब जो डायरेक्टर हैं जो हमने चूज़ किए हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए, वो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई और हो नहीं सकते थे, बिकॉज एक बहुत मुश्किल शूट भी है और रोमांटिक जब आप कोई चीज़ करते हो तो उससे बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज भी अगर ना किया जाए तो उसका मज़ा नहीं आता। एंड शाहिद ज़हूर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैमरामैन, डायरेक्टर एंड अगेन एडिटर भी वो खुद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इतना बड़ा प्ले। और बिल्कुल आप सही कहा आपने कि वाकई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट को बनाना। तमाम मेरी पीटीवी की टीम जिन्होंने मेरे साथ टेक्नीशियंस ने काम किया है, बड़ी मेहनत से लगन से सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। ऑडियो डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट, जो जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी चीज़ों की उन्होंने मुझे किया। सबसे पहले उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके बगैर वह इसको बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिर मियाँ सली साहब तो ज़ाहिर है आपको पता है कि ये इसके बाप भी हैं, माँ भी हैं इस प्रोजेक्ट की, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से एक एक लम्हा मेरे साथ गुजारा। और मुझे बल्कि जो मॉरल सपोर्ट थी वो मियाँ साहब की रही मेरे साथ लम्हा ब लम्हा। मैं ये प्रोजेक्ट जो मैंने किया है प्रोजेक्ट, इसको मैंने चैलेंजिंग नहीं लिया। पहली बात नहीं, मैंने चैलेंज नहीं लिया इसको। मैंने क्योंकि चैलेंज वहाँ लिया जाता है जहाँ किसी चीज़ को नीचा दिखाना हो, तो मैं तो इसको एक प्रोजेक्ट की शक्ल में ले रहा हूँ। और जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी हुई है, मेरे आर्टिस्टों को जितनी अल्लाह ने पोटेंशियल दी हुई है, मैं उनमें से बेहतर और अपने काम को जो मुझे नवाजा हुआ, जो मुझे ब्लेसिंग है, उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला इस पे कामयाब करेगा और तमाम लोगों को ये इंशाल्लाह पसंद आएगा। ये चैलेंज नहीं है। ओके, ठीक है, वेल सेट। अब मुझे बताएं कि सबसे ख़ास बात आपके ख्याल से अभी तक आपने जितना काम कर लिया, थोड़ा से अब तो रह गया मेरे ख्याल से। हाँ जी, बस हम कोई 70% के चले गए। क्या है इस सीरियल की सबसे ज़्यादा मुझे जो मुश्किल इसमें पेश आई है, जो हाईलाइट है, वो है इसको इसकी तमाम जो उस दौर में लाइट नहीं थी, और नाइट शूट करना जिसमें कैंडल लाइट पे शूट करना है और कैंडल लाइट की ही सोर्स दिखानी है, उसको कोई ऐसा आर्टिफिशियल टच नहीं देना कि जिससे पता चले कि ये कोई हेलोजन लाइट जल रही है या कोई बल्ब कहीं से जल रहा है। ये लालटेन में काम करना पड़ा मुझे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं और मियाँ साहब पूरा इसमें साथ दे रहे हैं और पूरी टीम की बड़ी इसमें मेहनत है कि मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं चाह रहा होता हूँ वैसे वो करते हैं। और मियाँ साहब इसमें हाईलाइट है मेरे हिसाब से।
थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू वेलकम. जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हमारे जो अगले सिंगर हैं बहुत ही बड़े घर से इनका ताल्लुक है. इनके वालिद हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, शौकत अली साहब के साहबजादे हैं मोहसिन. और इनके फादर के बारे में तो मैं जितना भी कहूँगी कम है. ही इज़ लाइक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है. और उनके बेटे हैं एंड आई एम श्योर के उनका 10% भी अगर कर लेंगे तो बहुत आला होगा. शक्ल तो काफ़ी मिल रही है. अब गायकी में कितना उन जैसा है ये तो इंशाल्लाह बिल्कुल. आई एम श्योर बहुत अच्छा है. आई एम श्योर और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जो विरसा है असल विरसा तो यही है कमिंग फ्रॉम जनरेशन. विरसा लेके चल रहे हैं वन जनरेशन टू द अदर. बिल्कुल. मंडिया विच रूमाया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू जवानी दी रुतवे आई हुसन जवानी दी रुतवे मेरा सोने वरगा बुतवे मेरा सोने वरगा बुतवे तेरे पीछे गाने ओटोल सुंदरी साड़ी गलियां में तेनु दिया मुंदरी ओटोल सुंदरी
सुवाची राते काली काली लिटवे हो सुवाची राते काली काली लिटवे दीवा पले लाहौर दे विच वे हाय दीवा पले लाहौर दे विच वे ते लो पे लग दी ओ टोल चानना मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया जी। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि नई नस्ल ने अभी तक हमें माशाल्लाह मायूस भी नहीं किया। बिल्कुल, और यू विल मेक योर फादर प्राउड, यू विल मेक अस प्राउड, यू विल मेक पाकिस्तान प्राउड इंशाल्लाह। और मुझे सबसे पहले बताओ, इतनी सी तुम्हारी जान, इतनी पावरफुल आवाज़ कैसे निकाल लेते हो? ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं इसमें एक वाकया शेयर करूँगा कि एक दफ़ा मैं ईवान सदर गया, मियाँ साहब भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इतनी आवाज़ कितों कर दे हो ना, मतलब तुम्हारी जान, ये गॉड गिफ्टेड है, जेनेटिकली है, वो एक बाबा की तरफ से चल रहा है। और रियाज, आई एम श्योर इसमें रियाज का भी बहुत हाथ है। बिल्कुल, उस्ताद हैं अनायत अली खान साहब मेरे। थैंक यू मौसी, ऑल द बेस्ट। को आगे चलाते हैं। यूसुफ से जब बात हो रही थी तो यूसुफ ने यही कहा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हीर राजा इनके ज़माने में बनी, मेरे नहीं इनके, मैं तो तब लोगों ने देखी, तो आजकल के दौर के जो बच्चे हैं उन्होंने अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले हीर राजा की हिस्ट्री, वारिस शाह के से ताल्लुक, ये सारा कुछ जो है, ये अभी जो भी हमारे नाज़रीन जिन्हें हीर राजा के बारे में नहीं पता है उनको बताना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे कास्ट से मिलें और इसके बारे में बात करें। तो इससे बेहतर जो इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे उसके लिए अपने इंसाइक्लोपीडिया के पास भिजलती हैं, डॉक्टर उमर आदिल साहब के पास, वही बता सकते हैं आपको। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पंजाबी वो ज़बान है कि जिसके अंदर जब दास्तान लिखी जाती है तो वो सुनाने के लिए नहीं बल्कि नगमगी के और तरन्नुम के साथ सुनाने के लिए। पंजाबी दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसमें ओरल ट्रेडिशन नहीं है सिर्फ, जिसमें मेलोडिक ट्रेडिशन है। हमारी दास्तानें ना सिर्फ मंजूम हैं बल्कि इनके लिए राग भी तजवीज़ किए गए हैं। हमारे दोनों प्रोटेगनिस्ट हीर रांझा में कौन हैं? एक रांझा और एक मुराद बलोच। इन दोनों के हाथ में हथियार नहीं है, इनके पास नीली घोड़ी नहीं है, तीर कमान नहीं है, तलवार नहीं है। मुराद ने अपनी रुबाब के तार छेड़ते छेड़ते एक ऐसा सुर छेड़ दिया कि बहुत जल्द
उसकी रुबाब दरअसल सहती खेड़ी के दिल के तारों पे बजने लगी। और हीर के मुतालिक तो आप जानते हैं कि वो रांझे की वंजली की तान सुन के सौ जान से उस पर कुर्बान हो गई। 1932 में समीना जी यहाँ पे पहली बोलती फिल्म बनाने का ख्याल किया गया लाहौर में। बहुत से यार लोगों ने सोचा कि लाहौर में यानी कि पंजाब में पहली बोलती फिल्म बनाई जा रही है तो हम कौन सा टॉपिक लें। तब भी मीर अपना मियाँ साहब के जैसे रुफकाए कार हैं और जैसे लोग मौजूद थे तो उन्होंने कारदार साहब को कहा कि आप हीर रांझा को फिल्म आएँ। So the first movie that we started with in 1932 was an adaptation of Heer Ranjha. और उसमें मियाँ साहब आपको याद होगा कि अमृतसर वाली बिल्कुल याद होगा आपको बिल्कुल और ये जिस खातून का मैं जिक्र करने लगा हूँ अमृतसर वाली नज़ीरा बिल्ली की दुख्तरे नेक अख्तर अनवरी बाई उसकी हीरोइन यानी कि हीर थी और उसके मुसेकार गुलूकार और हीरो रफ़ीक गजनवी साहब थे रावलपिंडी के। उसके फ़ौरन बाद 1935 में धूमी खां रामपुरी ने कलकत्ते में हीर सियाल के नाम से हीर की दूसरी एडेप्टेशन बनाई और उसमें एक शेर की बच्ची ने हीर की किरदार के बचपन का किरदार अदा किया। और पंजाब में शेर की बच्चियां शेर तो बहुत हैं, शेर की बच्ची एक ही है, उसका नाम मलिका तरन्नुम नूरजहां है। और उसके बाद फौरन 1941 में यहाँ पर रागनी को लेकर पहली सहती मुराद बनाई गई। और मियाँ साहब ये जो आपके प्रोग्राम में अक्सर जिस गीत की गूंज सुनाई देती है उच्ची माड़ी ते दुध पे रिड़का मैनू सारे टबर दियाँ चिड़का ये दरअसल वली साहब का लिखा हुआ मिसरा है जिसे मास्टर गुलाम हैदर ने उमराजिया बेगम से गवाया और सहती मुराद का ये रिकॉर्ड और गीत है। इफ़त उसके बाद आप यकीन कीजिए 1955 1965 1970 में बख्शी वज़ीर साहब और उसके अलावा ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब और सर कैसा कैसा मौसिकार है जिसने इस दास्तान के मंजूम होने की वजह से इसके लिए गीत नहीं बनाए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने तो इस पे मतलब एक आखिरी मोहर सब्त कर दी। अब मियाँ साहब जिस कंपनी में अब आ गए हैं और जिस लड़ी में अब मियाँ साहब खड़े हैं अब ये इन पे है कि अपने मकाम को और अपने दीगर कॉलीग्स को देख के कांप उठें या साबित कदम रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जी। नाज़रीन, अभी डॉक्टर उमर आदिल ने एक बहुत ही हमें मुख्तसरन लेकिन बहुत ही डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो है हीर रांझा का दे दिया है। हमें उसकी एसेंस के बारे में भी पता चल गया, उसकी पूरी हिस्ट्री भी पता चल गई है और बहुत सारी बातें जो मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता थी आज मुझे उनसे पता चल गई और हमेशा ही पता चलती रहती हैं। इसी मौजू पर हम आगे भी बात करते रहेंगे लेकिन साथ साथ प्रोग्राम भी हमने आगे चलाने। हमारे अगले जो सिंगर हैं बड़े ही टैलेंटेड और एक ज़माने में मुझे याद है कि मैंने इनको देखते ही इनको कहा था ये जब सारा के साथ गाना गा रहे थे कि ये तो हीर रांझा लग रहे हैं क्योंकि आप लोग हीर रांझा का गाना गा रहे थे, मुझे याद है। और आज हमें अली जो गाना सुना रहे हैं एक बहुत ही हमारी फिल्म पुरानी फिल्म का एक गाना है, नगमा है और मेहदी हसन साहब ने गाया हुआ है। बिल्कुल, मेहदी साहब ने गाया हुआ है और आज आप हमें सुना रहे हैं। जी बस आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब उन्होंने तो बहुत ही अच्छा गाया, मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल बहुत। और रॉबिन घोष साहब की ये कॉम्पोजिशन है और ऐसे बड़े फनकार ऐसे बड़े लोग ये भी हमारे मुल्क का विरसा हैं और हमें यही करना चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन से कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि अपने बच्चों को उन लोगों को इनके बारे में इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताते ज़रूर रहें क्योंकि इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। प्यार भरे दो शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने जिसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे तो शर्मीले दिल
ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह ना पाऊं, ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, बन जाऊं प्यार भरे दो शर्मीले ने, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए से ही रांझा के बारे में थोड़ी सी कोई बात शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल से अब आपको इसकी जो कास्ट है उससे मिलाना शुरू करते हैं। चार कैरेक्टर्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे जो दास्तान है। हीर रांझा तो ऑब्वियसली है, टाइटल है, उसके साथ सैती मुराद इसका कैरेक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जो कपल्स इस स्टोरी में हैं, ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये स्टोरी इन चारों कैरेक्टर्स के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। एंड आई एम श्योर कि ये इतने बड़े किरदार, अब इनको जब कास्टिंग हो रही होगी तो आई एम श्योर यूसुफ के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। सबसे पहले मैं आपको जो है मुराद साहब जो हमारे बने हैं सीरियल में उनसे मिलवाती हूँ। हमारे बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं एंड बहुत अच्छे इंसान भी हैं, सुहेल समीर। इफ़त, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं ये करेक्टर कर नहीं रहा था, तो शाहिद भाई ने मुझे बिठाया और कन्विंस किया। क्यों नहीं कर रहे थे पहले ये बताओ? क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुझे रांझा करना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए मैं सच बोलूँगा, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि मुझे रांझा करना है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या छोड़ के जा रहे हो, जो तुम लेना चाह रहे हो शायद उससे ये बड़ी चीज़ हो। फिर मियाँ साहब से मुलाकात हुई, मियाँ साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें करना चाहिए, और जिस दिन मैं सेट पर था और ये कर रहा था, मेरे पास वर्डिंग नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अब मैं ये बात करता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस प्ले का पार्ट हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कुछ भी है, लेकिन एक
तारीख रकम होगी और उसमें मेरा भी नाम होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली। अगर इन अ फ्यूचर जैसे अभी बात हो रही है कि मियाँ साहब के ज़माने की मूवी थी, तो जब हमारी बात होगी इस हीरांजा की बात होगी तो अगर उसमें मेरा भी नाम होगा तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। वैसे इंटरनेट हिस्ट्री नहीं होती, हीर राजा कहीं भी गूगल होगा तो उसमें आप लोगों के क्लिप्स भी निकलेंगे। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्ले। माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच थैंक यू। यहां मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत से लोगों का मुझे यहां शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहले आई वांट टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिनकी जो क्योंकि मैं खुद भी जो पंजाब की टूरिज्म जो है पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड उसका मैं मेंबर भी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट मिली। हम जहाँ जहाँ हम गए वहाँ जहाँ हमें अकोमोडेशन चाहिए थी जहाँ कई दफ़ा हमें शूटिंग की इजाज़त ही इतना बड़ा मसला होता है आपको तो वो इजीली मिल गई होगी। इतनी हमें यू नो क्या कहते हैं सपोर्ट फिर सिक्योरिटी क्योंकि हम रात को दो दो बजे तीन तीन बजे तक हम लबे यू नो किसी गांव के किसी जंगल में हम कोई कोई गाना शूट कर रहे हैं। फिर जिन जिन घरों में हमने शूट किया वो ऐसे घर हैं कि जहां कभी भी किसी ने कभी शूट नहीं किया, कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली वहां शूट करने की। अच्छा मैं कास्टिंग पे दोबारा हूँ। जब आप कास्टिंग कर रहे थे आपने हर कैरेक्टर के बारे में क्या रिसर्च की और फिर किस तरह जैसे अभी हम मुराद के ये कैरेक्टर को लेते हैं सुहेल समीर वाई हैं क्योंकि सुहेल समीर और जारिया की एक वीडियो थी जो हुमैरा चन्ना जी के गाने की जहाँ से मेरा सारा आइडिया जो हीर रांझे का था वो वहीं से शुरू हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर ठीक है। और वो गाना हमने शामिल किया वो गाना हमने हीर रांझा के प्ले में भी हमने शामिल किया अभी शूट होना है। फिर गाने कुछ पहले कुछ मैंने लिखे हुए थे कुछ तैयार किए हुए थे कुछ बाद में बने। फिर सनम का एक बड़ा खूबसूरत गाना उसमें है फरिया जी का कौन कौन यूज़ किया सिंगर्स हैं अपना हिना नसरुल्ला है हुमैरा चन्ना है सबसे बड़ी राहत फतेह अली खान साहब है जिन्होंने कि हमारा गाना एक कंपोज भी किया है एक कवाली भी उसमें की है गाया भी है एक गाना और ख़ुद भी उसमें होंगे। सनम ने एक बड़ा अच्छा एक शादी का गाना गाया है फरिया परवेज ने गाया है। मैं आपको ये भी यहाँ बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली राहत को एक बैफ्टा फिल्म अवार्ड्स में एक बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर जिसको रियाज रहमान सागर साहब ने लिखा और जिसको ओरिजिनली पहले मैंने कंपोज किया था लेकिन साहिर अली बग्गा ने मेरी वो बिल्कुल ना चलने दी और उसने कहा कि ये आपकी बहुत ही बुरी कॉम्पोजिशन है और क्योंकि उसने पहले कभी ये नहीं कहा था कि आपकी कॉम्पोजिशन बुरी है तो मैंने फौरन बग्गे से कहा मैंने कहा ये आप ही बनाओ और माशाल्लाह वो गाना जो था जब वो नॉमिनेट हुआ तो इट वॉज पिटेड अगेंस्ट ए आर रहमान सॉन्ग एंड हमें वहाँ बड़ी इज्जत मिली हमारे इस क्योंकि हमें बैफ्टा यू नो अवार्ड मिला। नॉट ओनली दैट बल्कि जो बोल फिल्म थी उसको एज अ बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला और हमारी एक एक्ट्रेस उमायमा उनको एज बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और मैं समझता हूँ कि ये जो बैफ्टा अवार्ड है और ये जो तीन पाकिस्तान वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान और मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि अब नए नए लोग और यंग लोग जो हैं वो अब फिल्म मेकिंग में भी आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर पाकिस्तान। जी तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे नगमे की जिसने हाल ही में एक तहलका मचा दिया है हर जगह आप जहाँ से गुजरो ये गाना लगा होता है। गाना है बिस्मिल्लाह करा जिंदना में कर जागा पलों की कंद छड़ माही पर मैं छड़िया ते मर जाऊंगा जी
जद कोई तरले करदा रे दिल क्यों डरदा मिलाने का शुक्रिया अब कासिम आपको मिलवा रहे हैं अभी मुराद से मिले अब जो प्ले में इनका बेटर हाफ है जो इनका सैती का कैरेक्टर जिस बच्ची ने किया है वो हमारी बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस सबा फैसल उनकी साहबजादी हैं सादिया और हमारी अपकमिंग वन ऑफ द टॉप मॉडल्स भी हैं और मुझे जब उनको मैं देख रही हूँ और मैं जब भी उस बच्ची से मिलती हूँ और जब मुझे पता चला कि इससे सैती का कैरेक्टर किया है तो मैं काफ़ी मैं हैरान थी बिकॉज आजकल की बच्चियाँ इनको सच हमारे कल्चर के बारे में भी नहीं पता है और फिर ऊपर से मॉडलिंग में आपने अपनी एक लुक भी इस तरह रखनी होती है तो लेट्स मीट हर और इस एक्सपीरियंस के बारे में सादिया से कुछ बात जी एक्टिंग तो बहुत अभी कम ही की और ये कैरेक्टर एक्सेप्ट किस तरह किया एक्टिंग इससे पहले नहीं की और ब्रेक थ्रू है मेरा और एक्सेप्ट तो काफ़ी मुश्किल से हुआ था क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट इन टर्म्स ऑफ होल अटायर इन एवरीथिंग तो लेकिन मुझे शाहिद साहब ने और मुझे यूसुफ साहब ने इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बताया इस कैरेक्टर के बारे में फिर मैंने खुद रिसर्च की तो फिर मैं देन आई वाज लाइक ओके अच्छा जो खुद रिसर्च की उससे क्या पता चला जो नेगेटिव कैरेक्टर था नेगेटिव तो नहीं लेकिन जो सहती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हीर से हीर इज़ एन इनोसेंट कैरेक्टर वाइल सहती इज़ नॉटी और उसकी थोड़ी सी चलाक है तो okay. उस बारे में मैंने फिर सारा थोड़ी तेज़ है और फिर सारा गेटअप जो था उसको रिसर्च किया सारा एंड मुझे एक्सेंट की प्रॉब्लम थी लेकिन शाहिद साहब ने हर सीन से पहले बहुत अच्छा गाइड किया बहुत अच्छा समझाया तो अल्लाह का शुक्र है मैंने पिक कर लिया फिर यूसुफ साहब हैज़ बीन ग्रेट ग्रेट सपोर्ट थ्रू आउट द फर्स्ट स्पेल क्योंकि एक स्पेल हुआ है अभी सेकंड होना है और आई हैव नेवर डन सॉन्ग्स बिफोर तो जो गाने थे वो बहुत चैलेंजिंग थे बट लेकिन गाने करने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा मज़ा गाने करने का आया है तो यही तो वजह नहीं थी फिर मानने की मैं कर लेती हूँ ये भी था मैंने कहा चले पांच गाने हैं तो इट मींस के कैरेक्टर बहुत बड़ा है और सुहेल साहब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया सीन्स करवाने में सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस करने के बाद यू आर हैप्पी के यू बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जी ऑफ कोर्स आई फील माय सेल्फ लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग बिग प्रोजेक्ट एंड थैंक यू सो मच पीटीवी फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ हीर रांझा ओके थैंक यू साथ ही अब अपनी वालदा जी को दे दें हम माइक अच्छा असल में तो आप उनकी अम्मी हैं लेकिन प्ले में आप बनी हैं इनकी मैं आप हीर की अम्मी बनी हैं बिल्कुल ठीक तो मलकी का कैरेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग आप कह रही हैं कि आपके लिए शायद इतना मुश्किल ना हो लेकिन शाहिद जहूर जिन डायरेक्टर का नाम है उनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग जी है मुझे पता निकसीर निकलवा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम लोग जब दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं उसमें हम लोगों की अपनी बहुत चलती है बल्कि कभी कभी तो डायरेक्टर भी पूछ लेते हैं हाँ ये ठीक हुआ है ना यहाँ ये नहीं होता यहाँ इनके मुताबिक चलना होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं और ये जाहिर है मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था थोड़ा एक्सेंट और फिर बॉडी लैंग्वेज फिर सबसे जो खूबसूरती लगी वो कॉस्ट्यूम जो इन लोगों ने अरेंज किए थे और मलकी का कैरेक्टर मुझे बहुत मज़ा आया शाहिद साहब के साथ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन पीटीवी के साथ इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट मैंने किया है इससे पहले मैं करती रही हूँ लेकिन मैं जैसे सुहेल ने कहा जैसे सादिया ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं
इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा हूँ और बिल्कुल सुहेल समीर की बात को सेकंड करूँगी कि ये तारीख में लिखा जाने वाला सीरियल होगा इंशाल्लाह ताला, और उसका मैं हिस्सा हूँ, तो मैं उसके लिए सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और बस थैंक यू। हीर रांझा में सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग बात होगी वो यूसुफ के लिए हीर का कैरेक्टर चूज़ करने के लिए होगी, और राज तो खुल ही चुका है कि ये कैरेक्टर जारिया कर रही हैं, लेकिन वो क्यों कर रही हैं, इसके पीछे मतलब किस चीज़ ने आपको ये हीर का एक हमारे इमेज है ना। बिल्कुल, मुझे सबसे पहले तो उस कैरेक्टर में एक इनोसेंस चाहिए थी। ओके, ठीक है, कि जेन्युइनली यू नो उसके अंदर एक इनोसेंस हो, और जारिया के लिए भी, क्योंकि आई थिंक इसने काम तो किया है थोड़ा बहुत, यू नो शी इज़ वर्क डन एड प्लेस भी, लेकिन ये एक बहुत एक इसके लिए एक मेजर था। सो मैं जब किसी के साथ काम करता हूँ तो मेरा ट्रस्ट कंप्लीट होता है। इनोसेंस वाज द मेन फैक्टर। यस, इनोसेंस, यू नो, क्योंकि वो एक एक जो एक उस जमाने में जो यू नो औरतों में एक एक हिजाब और एक शर्म और एक वो जो चीज़ होती थी वो शायद अब हमारे में कम रह गई है। ठीक है, तो एक तो ये एक बात थी। दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो वीडियो था जो सुहेल ने और जारिया ने किया था उस गाने पे, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, यू नो, कि ये कैरेक्टर ये कर सकती है। फिर उसके बाद माशाल्लाह सबा जी आई हमारे साथ, फिर सबसे बड़े बड़े कैरेक्टर को आप मिस कर रही हैं वो कैदो का कैरेक्टर है। हाँ। क्योंकि जो ओनली नेगेटिव कैरेक्टर जिसने सारे जिसने मुसीबत डाल दी, हाँ। तिगनी का नाच नचा दिया, वो तो कैदो है। वो कौन कह रहे हैं? वो अपना शफकत चीमा साहब, उनसे बेहतर नोबडी कैन डू इट बेटर देन हिम। और जो जो उसका जो रोल है अपना चूचक का, मोहसिन गिलानी साहब जो हीर के वालिद का रोल कर रहे हैं। फिर जो सैदा खेड़ा है जिसका रोल फिल्म में मुनव्वर जरीफ साहब ने किया था, वो रैम्बो कर रहे हैं। ओके, इसमें भी वो कॉमेडी का वो डाला हुआ है फिल्म में भी, वो कॉमिक था ना। जो जो कैरेक्टर है सैदे खेड़े का वो सिंपलटन है, इसीलिए जो सैती है वो अपने घर में शी इज मोर बिकॉज शी नोज कि भाई जो है भाई से प्यार भी करती है, लेकिन भाई सिंपल, शी इज यू नो उसमें वो इन मोर कंट्रोल, मोर ऑफ कंट्रोल ऑफ थिंग्स जो उसमें है, और उसमें शी हैज़ द गट्स कि अल्टीमेटली वो खुद भी वो चली जाती है घर छोड़ के, और अपनी भाभी को भी यू नो शी फील्स के ये जुल्म हो रहा है उसके साथ, उसको भी रांझे के साथ वो भेज बड़ी खराब और तो चलिए अब मेरे ख्याल से जारिया से बात कर ही ले जाए। इट्स अ टाइटल रोल और वो भी एक फिनोमिनल रोल है, तो कितना डरी थी करने से पहले? मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे जब मैं पहले दिन सेट पे आई तो मैं पहला सीन कर रही थी और मुझे कहा किस तरह बोलना है, तो मेरे लिए क्योंकि मैंने उस तरह से पहले प्ले नहीं किया था उस तरह की बोली का, तो मैं अंदर गई, शाहिद साहब ने थोड़ा सा ऊंचा बोले तो मैं अंदर कमरे में चली गई और मैंने जाके वहाँ पर रोना शुरू कर दिया, और मैंने कहा अल्लाह मियाँ आप मुझे सुरखरू कीजिएगा, मैं कहाँ फंस गई हूँ मुझे और फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं रोना, मेकअप ख़राब हो जाएगा, सब कहेंगे ये हमने हीर प्यारी की लग रही है मैं फिर बाहर आई तो वो शाहिद साहब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, अगर मेरा ख्याल है मैं किसी और के साथ कोई और डायरेक्टर होते तो शायद मैं ना कर सकती, मेरे लिए नामुमकिन होता, और पाकिस्तान टेलीविज़न का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और सबा जी जिन्होंने मुझे सेट पे लाइंस बार बार बताई और बैठ के मुझे टाइम दिया, बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी नए आर्टिस्ट को और जूनियर को इस तरह टाइम दें, और मोहसिन गिलानी साहब उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, एहसन खान उन्होंने मुझे, मेरा ख्याल है वो अपना भूल गए थे वो मुझे बताए जा रहे थे, एहसन बहुत बहुत ही वो अच्छे, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और तुम्हारी क्या उम्मीद है इस प्लेस से? उम्मीद तो अच्छी है लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, अब कहेंगे तो सिर्फ लोग कहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगले जो हमारे परफॉर्मर हैं वो साहिर हैं, और उनके साथ जो दे रही हैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि वो हमारी हीर हैं जी, जारिया जारिया
शर्मा के हमसे आँख मिलाने का शुक्रिया, शर्मा के हमसे आँख मिलाने का शुक्रिया।
आप बात नए पुराने की कर रहे थे ना कि हीरा जब दोबारा क्यों बनाने की ज़रूरत है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने जब हिना नसरुल्ला का प्रोग्राम किया तो उसमें एक पुराना पंजाबी गाना, डॉक्टर साहब को भी कभी बड़ा फेवरेट है वो, मेरी चुन्नी दियाँ रेशमी तंदा, ठीक है। अगर आप उसको यूट्यूब पर देखिए तो जो एक्चुअल ज़ुबैदा खानम जी ने गाया हुआ है उसके ऊपर 35,000 हिट्स हैं और हिना नसरुल्ला के उसी गाने पे 4.5 लाख हिट्स हैं। अच्छा, पीरियड प्ले की बात हो रही है, पीरियड प्ले में रिसर्च के साथ साथ हर चीज़ के साथ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो कॉस्ट्यूम्स हैं, एंड हीर रांझा का हमारा पूरा पंजाब का जो कल्चर है और उसके साथ बलोचिस्तान का कल्चर भी दिखाना, बिकॉज मुराद का जो कैरेक्टर है उसका वो बलोची कैरेक्टर है। तो जो इस सीरियल के डिज़ाइनर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत टैलेंटेड डिज़ाइनर भी हैं, एंड इज़ अ लवली पर्सन राना नुमान। तो राना से ज़रा ये पूछें कि इस सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हुए आपने क्या रिसर्च की और आपको क्या पता चला कि इसके जो कॉस्ट्यूम का एसेंस है वो क्या है? जो हमारा ज़्यादा कल्चर था पंजाब का बेसिकली दिखाया गया था, और मेन जो रिसर्च थी वो यूसुफ अंकल ने की हुई थी मेरे लिए और सारे इमेजेस वगैरह उन्होंने मुझे रेफरेंसेस वगैरह मोस्टली जो जितना भी मुझे मटेरियल चाहिए था। बट यू तुम तो वैसे भी बड़े फिल्मी किस्म के इंसान हो, तुमने हर फिल्म देखी भी होती तो आई एम श्योर कि तुम्हें पता उससे भी काफ़ी तुम्हारे जहन में आइडिया तो होगा। हाँ बिल्कुल, हीर रांझा जो पुराना जो पुरानी थी वो मैंने काफ़ी दफ़ा देखी हुई है। हीर रांझा बींग रोमांटिक एंड ब्यूटिफुल लव स्टोरी, तो वो उसको रंगों से ही सजाना था और रंग डाले। जो मेरी इंस्पिरेशन थी, जो मैं बात कहना भूल गया, कि जो सारे कपड़ों का और ज्वेलरी का जो मैंने इनको भी बाबू को भी सबको, वो अला बख्श की पेंटिंग्स थी हीर रांझा पे, और हीर के ख़ास कलर्स हैं, यू नो, ये लाइक रेड और ऑरेंज, ये दो रंग जो हैं शॉकिंग पिंक इस तरह के। तो यू नो मैंने अपनी जो इंस्पिरेशन जो ली थी वो हीर रांझा की, वो इन्हीं पेंट, क्योंकि उस्ताद अला बख्श ने जितनी ज़्यादा पेंटिंग्स हीर रांझा पे बनाई हैं शायद किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई। और जब मैं इन पेंटिंग्स को इकट्ठे करने निकला, यू नो, और दोस्तों से, मेरे अपनी वालदा के पास एक पेंटिंग थी हीर रांझा की, वो सब जो अला बख्श की जो पेंटिंग्स हैं उन सबको हम क्या कहते हैं एपिसोड वाइज उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। साहिर अली बग्गा, उनकी सोलो परफॉर्मेंस है। जदों भी कोई प्यार करन दी किसनू हामी परदा रे, दिल क्यों डरदा रे, दिल क्यों डरदा। दिल क्यों
होता है, नॉट ओनली डज ही कंपोज द म्यूजिक, वो अरेंज भी करता है. सो और मैं वो मेरा जो बैठ आधा हिस्सा है ना वो बग्गा है, क्योंकि कंपोज मैं कर लेता हूँ, लिख मैं लेता हूँ, लेकिन उसकी अरेंजमेंट इतनी खूबसूरत जितनी बग्गा, यू नो आई मीन आई मस्ट से कि इसमें भी रांझा में भी बहुत अमेजिंग. कोशिश सिर्फ ये होती है कि अपना म्यूजिक करें, अपना पाकिस्तान का म्यूजिक. बहुत बहुत बड़ा म्यूजिक है हमारा अपना. जरूरत नहीं पड़ती कभी जिंदगी में कि यहाँ सोचा है कभी कि कभी रेफरेंस किसी म्यूजिकल है. हाँ बिल्कुल. तो इसलिए अपना म्यूजिक है, इसलिए करने में ज़्यादा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. नूरुल हसन साहब भी बैठे हुए हैं, कुछ उनसे भी थोड़ी सी बात करें फिर. नूर हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय. ही इज अ ग्रेट कॉम्पेयर और ही इज अ गुड कंपनी और बहुत अच्छा इंसान भी है. और हमारा प्रोग्राम मुझे बता रहा था बड़े शौक से देखता है. सो नाइस ऑफ यू. एक तो यहां आने की बहुत ही खुशी है. तुम्हारा शुक्र है, आ गए हो, इतनी दफा बुलाया. हां नहीं, और ये जो बैठक यूसुफ साहब जिसका एहतमाम करते हैं उससे की ये बड़ी कमाल है और बड़ी गनीमत है. मैं ये कहूँगा, जहाँ तक बगे का सवाल है, मैं बायस्ड हूँ इसके मामले में. मुझे इसमें भला और खैर ही नज़र आया हमेशा. और वी आर प्राउड ऑफ़ यू भैया. बहुत बहुत सी दुआएं भी तुम्हारे साथ है. जहाँ तक हीर राँझा का सवाल है, एक और बंदा जिसके बारे में बायस्ड हूँ, सुहेल समीर यहाँ बैठा हुआ है. ये सारे सभा और यूसुफ साहब ने, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत अब नाम ले ही लो तो. हाँ नहीं यार ले वो आप तो. मेरा ये ख्याल है कि बहुत बेहतर है इस बात से कि आप तबसरा करते रहें,
और क्रिटिसाइज करते रहे और सोचते रहे, इससे बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए। वो उसमें खैर और बरकत तो अल्लाह ताला की ज़ात ने डालनी है, रिसोर्सेज कम हैं ज़्यादा हैं वो बाद की बात है, लेकिन कर लेना चाहिए। क्योंकि उस वक्त में भी फिर यही शुमार होगा कि भई ये हैं जिन्होंने कुछ किया, जारिया हैं, सादिया हैं, और इतना एहसन खान सच ए गुड एक्टर, सुहेल समीर, और मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा होगा म्यूज़िक सपोर्ट और वो पस मंज़र यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की नज़र मेरा ख्याल। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, अगर 16वीं सदी में शनाख्ती कार्ड थे तो इनको रांझे के शनाख्ती कार्ड का नंबर भी पता होगा। ख्याल रखिएगा कि आपका सीरियल डॉक्टर उमर आदिल ने भी देखना है। सो आई विश यू ऑल द लक, गॉड ब्लेस यू। जी, हमारे प्रोग्राम में अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये प्रोग्राम समहाउ इसका एक मुकाम बन चुका है और लोग शौक़ से इस प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते हैं और उसे देखते भी हैं। हमारे कुछ रेगुलर मेहमान जो हैं उनमें से एक हमारी पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, बड़ी रेगुलर है और उनको बहुत हमारा प्रोग्राम पसंद है और हमेशा उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया है, समीना खावर हयात साहिबा। और उनके साथ आज एक और उनकी साथी एमपीए हैं, राहीला खालिद साहिबा, वो भी आई हैं, और उनके साथ एक और है। आज तो पूरा पंजाब असेंबली हमारे पास, यहाँ हम मेरा ख्याल इजलास कर सकते हैं। साइमा अजीज साहिबा आई हुई है, वैसे इनके शोज भी वहाँ चलते रहते हैं लेकिन आज हमारे शो पे आई हुई है तो थोड़ी सी इनसे भी बात कर लेते हैं। एनी थिंग यू वॉन्ट टू से अबाउट ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट ही रांझा कर रहे हैं और आपके आपकी यूसुफ साहब की इस काविश के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत शुक्रिया इफ़त, आज वाकई बड़ी मज़े की बात है कि पंजाब असेंबली की बड़ी वोकल ख़वातीन मियां साहब की हवेली में बैठी हुई हैं और मैं यूसुफ को मुबारकबाद पेश करूंगी। क्योंकि इतने स्ट्रेस माहौल में इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करते हैं यूसुफ साहब, और मैं तो रेगुलर हमेशा आती हूँ उनके प्रोग्राम में, और स्ट्रेस से आप समझ गई होंगी कि किस किस्म का स्ट्रेस हमें मिल रहा होता है। और हीर रांझा का जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, मैं यूथ को, ये जितने मैंने अभी देखी हैं इन्होंने बात की है, इनको मैं अप्रिशिएट करूंगी, और यूसुफ की सारी टीम को क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छी टीम है आप लोगों की, इस प्रोजेक्ट को अल्लाह ताला कामयाब करे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूसुफ आप इसी तरह काम करते रहें और मुझे हमेशा आप इन्वाइट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप बुलाते रहें। और जितनी ये टीम है, मुझे ये खुशी हुई है कि हमारी हेरिटेज को यूसुफ बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ कंक्लूड अपना करना चाहूँगी कि हीर क्या है, मोहब्बत, खूबसूरती, डिटर्मिनेशन, डट जाने का नाम, वो डट गई थी, डट जाने का नाम हीर है। थैंक यू आप सबका कि आप हमें भी याद रखते हैं, और मैं तो बहुत खुश होती हूँ यहाँ आकर, और जितना वो मैंने काम किया होता है बड़ा हेक्टिक काम, वो मैं फ्रेश हो जाती हूँ आप लोगों के बस आपने फिर हमेशा आते रहे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के हम मशहूर हैं कि उन्होंने हमें आज महफिल में आने का मौका दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ पर आके हमें पता चला कि एक हीर रांझा के प्रोजेक्ट को लेकर आप सीरियल बना रहे हैं, डेट इज़ वेरी गुड, अच्छा है, यूथ को पता चलना चाहिए हमारा विरसा क्या है, पंजाब की ट्रेडिशन क्या है, पंजाब की सकाफत को लेकर हम क्या काम कर सकते हैं और उसे प्रमोट कैसे किया जा रहा है, ये बड़ी अहम बात है। जैसे यहाँ पर अभी हमने मौसीकी सुनी, वो 1962 के गाने हैं जो शायद हमने भी कभी नहीं सुने, आज यहाँ आकर महसूस हुआ कि उनकी कितनी खूबसूरत उनकी पोएट्री भी है और कितनी खूबसूरत थी, ज़बरदस्त, बल्कि मज़ा आ गया। और ये क्रेडिट जाता है यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मियाँ साहब, अल्लाह ताला करे कि आप इसी तरह पाकिस्तान के विरसे को ऐसे कायम रखें। जी साइमा साहिबा, वाकई ये प्रोग्राम बहुत ही दिल को छू जाने वाला प्रोग्राम है, साहिर साहब की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वाकई ही वो मतलब बहुत अरसे बाद कोई एक ऐसी आवाज़ सुनी जो आपके अंदर से आपको फील कराती है कि ये कुछ है ना। और इसके लिए भी मैं यूसुफ साहब का और पीटीवी का सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और न्यू जनरेशन को आगे ला रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं। और ये हीर रांझा टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जो सारी ज़िंदगी आप उसको जितना भी करें तो आप वो ख़त्म नहीं हो सकता, और ये हर किसी के जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे विरसे में क्या था, क्या रह चुका है, हमारा विरसा क्या है जिससे हम दूर होते जा रहे हैं,
और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि यूसुफ साहब की ये कोशिश, अल्लाह उनको कामयाब करे और वो भी इसी तरीके से आगे भी चलते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे प्रोड्यूसर पीटीवी के जो हैं फरहान मुश्ताक, ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरियल, तो इनसे भी ज़रा बात कर लें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, पीटीवी ने ये हामी कैसे भर ली? पीटीवी हमेशा से इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसमें कल्चर को फ़रोग दिया जाना हो, और जब से मियाँ साहब पीटीवी के साथ एसोसिएट हुए हैं इसकी पेस जो एक्सेलरेट कर गई है, तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि पीटीवी ने हामी भरी इसकी। मेरे ख्याल से अभी तक तो किसी भी चैनल पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। जी, इसमें जो फ़र्क है वो फिर मियाँ साहब का फ़र्क है, बहुत सारे दिमाग मिल जाते हैं, बिल्कुल हाँ। तो वो फिर यही एक फ़र्क है बाकी चैनल्स में भी और पीटीवी में भी। इसमें पीटीवी का ह्यूमन रिसोर्स और पीटीवी के जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इजाज़त मिलना, ये होना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हालांकि पीटीवी चूंकि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और सो मैनी विंडो ऑपरेशंस जो है वो आपको पता है पब्लिक सेक्टर में होते हैं, तो ये इन सारी सॉल्यूशंस के लिए हमारे जनरल मैनेजर आगा ज़ुल्फ़िकार साहब और काजम खान साहब, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बहुत सारी विंडो ऑपरेशंस जो हैं उनको उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन में कन्वर्ट किया। एक्सेलेंट। हाँ जी, और यही हमारी एक्चुअली सारी परेशानियों का हल है, ये विंडोज़ जो हैं कम से कम हो जाएं। जी, ये सिर्फ इस मामले में नहीं और मामलों में भी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। जी, हमारी प्यारी सी टैलेंटेड हमारी दोस्त, अब तो कोई इंट्रोडक्शन भी देने का मेरा दिल नहीं करता, बस गाना सुनाओ हमें अच्छा अच्छा सा जल्दी से। निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन है, मैडम नूर जहान का असल गाया हुआ गाना है, फिल्म में ऐसा भी होता है 1965 का ये गाना है, और लिरिक्स है जी फजल करीम साहब के, और बहुत ही खूबसूरत गाना है, हो तमन्ना और क्या। जब सब ने इतनी बातें की हैं, थोड़ी सी मेरी भी बनती है। लैला हो जाए, हीर हो जाए, सहती हो जाए और जूलियट हो जाए, मैंने सभी कैरेक्टर्स को मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में सुना है, एंड आई जस्ट लव दिस मेलोडी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतने सालों से हो तमन्ना ही कर रहे हैं, मतलब वो तमन्ना जो है वो आज जब मैं इस दफ़ा गा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि इट्स अ ब्यूटिफुल मेलोडी, और वाकई वर्षा के आपको बड़ा क्रेडिट जाता है, और शुक्र है कि इस प्रोग्राम का नाम वर्षा है, वरना हम शायद ही अपने वर्षे को हाथ डाल रहे होते। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू यूसुफ जी। हो तमन्ना और
तमन्ना और क्या। अच्छा शाहिद साहब, मैं चाहूँगी कि इतना बड़ा सीरियल है तो आई एम श्योर उसकी सपोर्टिंग कास्ट भी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, मुझे नहीं पता हमारी ऑडियंस में बैठे हैं, तो अगर यहाँ से ये फरीजा आप पकड़ लें और सबसे इंट्रोड्यूस करा दें, थोड़ी थोड़ी बात कर लें। जी मैं बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ मेन किरदार हमारे जो हीर है, रांझा है, सैती है, मुराद है, उनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग, मेजर सपोर्टिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितने माइनस रोल की भी बड़ी ज़रूरत थी, और चार लोगों से ड्रामा तो नहीं बन सकता, क्योंकि सेंटर कैरेक्टर्स हमारे पास चार थे, लेकिन सब के साथ किसी के चार सीन थे, किसी के तीन, जैसे हीर की सहेलियाँ थी और उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बड़ी उन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया, जिसमें ऐश खान है, अनम है, आशा है, सायरा है और बाकी भी और जिन्होंने, जिनके मुझे नाम याद नहीं है। इसी तरह रांझे की भाभियाँ, जो रांझे की सात भाभियाँ दिखाई हैं, सात भाभियाँ थी रांझे की, सात पता है, दिखाई भी सात जी, बिल्कुल सात थी, बल्कि आठ भाई थे, ये आठवां रांझा था और सात भाभियाँ और सात भाई उसके। और इसके साथ एक और मैं कहूँ कि सैदे, जो खेड़े का हमने पोर्शन किया है, जिसमें असलम शंकर साहब ने जॉन रैम्बो साहब के रोल का, उनके बाप का किरदार अदा किया सैदे के, और उनकी वालदा का किया शबाना भट्टी ने। मेरा ख्याल है असलम शंकर साहब तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैं चाहूँ अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपको थोड़ा थोड़ा जी प्लीज़ देंगे। मैं इस टीम में शामिल होकर ये फील करता हूँ कि 20-25 साल जो मैंने काम किया है वो शायद कुछ नहीं किया। मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि ऐसी ऐसी लोकेल्स पे अरेंजमेंट्स किए गए जहाँ खुद उन लोगों के रिश्तेदारों को कभी आने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ हमारा क्रू और हमारे एक्टर्स करेक्टर्स वहाँ घूम रहे थे। और फिर एक ख़ास बात जो मैंने नोट की, मकी इस तरह से मसरूफ़ थे जिस तरह हमारे स्टूडियो में सेट डिज़ाइनर मसरूफ़ होते हैं। इस तरह से लगा मुझे जैसे कि शायद असल प्रोड्यूसर ये हैं, बाकी सब लोग डमी हैं। अब यकीन करें, बहरहाल मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और दुआ गो हूँ कि ये मेगा प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत तरीके से आगे निकले। और ये वर्षा के रिश्ता जो है, इसकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं, इसका अमली नमूना हम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जब मुझे पता चला कि हीर रांझा एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इसमें काम करूं। कुछ अर्से बाद मुझे कॉल आती है कि बीना जी, एक करेक्टर है भाभी का जो कि हम आपसे करवाना चाहते हैं। तो मैंने दो नफल नमाज पढ़ी और शुक्र अदा किया उस खुदा का कि वो मेरी जो ठंडी सांस मैंने ली थी वो मेरी उस खुदा ने रायगा नहीं की। उसके बाद जब मैंने शाही साहब के साथ काम किया और शाही साहब ने जिस तरह मुझसे काम लिया, आई स्वेयर कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि मुझे इन लोगों ने कास्ट किया। बस मेरे पास और अल्फाज नहीं हैं कुछ कहने को, मेरे बहुत सारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। सनम हमें जो भी गीत सुना रही हैं वो हमारे जो, मैं थोड़ा सा आपको इस गीत का बैकग्राउंड ये बता दूं कि ये गाना हीर की शादी खेड़ों में होती है। तो ये जो सैदा खेड़ा है उसके घर में मेहंदी का सीन है, शादी का सीन है, और उसमें सैती और उसकी दोस्तें और क्या कहते हैं जो जो लड़के वाले हैं उनके घर वाले जो हैं, ये एक so like शादी का गीत पिक्चराइज अब होगा, इट विल बी अ बिग सॉन्ग और बड़ी मजेदार होगा। और मुझे यूसुफ ने कुछ इस पे स्पेशल, मैं चाहूंगा कि आप भी यहां आए, इनके साथ साथ दें, इसमें कोरस भी है। जारिया आप भी आए, आके बैठे सनम के साथ। No.
अच्छी थी कि हमें तो ये बड़ा ही अमेजिंग गीत सुनने को मिल गया। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप प्लीज़ जो ये है हमारा आने वाला प्रोजेक्ट, इसके लिए दुआ भी कीजिएगा और इसे देखिएगा भी ज़रूर। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम आपको एक गाना दिखा रहे हैं जो कि हमारे सीरियल में से है, जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया भी हो जाएगा कि ये प्रोडक्शन किस तरह की हुई है और सब कैसे लग रहे हैं और पूरी एक आपको जो एक लुक है इस प्ले की पता चल जाएगी। बहरहाल किसी नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा।